हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सी स्क्वायर इन्फोटेक। तो आज हम ये वीडियो में बताएंगे कि आपको पासपोर्ट रीएप्लीकेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे passportindia.gov.in, ये साइट में जाइए। उसके बाद न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, अगर एग्जिस्टिंग यूजर है तो आप लॉग इन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा आपका पासपोर्ट ऑफिस, मेरा कोलकाता है तो कोलकाता। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं रहता है, तो यहाँ पे देखिए लॉग इन आईडी अवेलेबल। और आप एक ही ईमेल आईडी बार बार यूज कर सकते हैं, जितना भी बार आप रजिस्टर करना चाहे वो सेम ईमेल आईडी, बट ये लॉग इन आईडी आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग पासवर्ड, एंड क्वेश्चन में आपका एंड आंसर डाल दीजिएगा। अपना डेटा अच्छा से भरे वरना आप पासवर्ड रिकवरी नहीं कर पाएंगे। जो आपको जो याद है वही डेटा भरिएगा। तो ये देखिए, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासवर्ड सेवा पोर्टल, टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक ऑन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो अभी हम लोग जाएंगे अपना ईमेल आईडी में। अभी तक आया नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो वेट करते हैं। कभी कभी स्पैम में भी चल जाता है, तो स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेते हैं। स्पैम में भी नहीं है, फिर से इनबॉक्स में जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग का ईमेल आ गया है पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के लिए। तो इसको ओपन करते हैं। तो ये जो लिंक है इसमें क्लिक करना होता है। तो क्लिक करने के बाद आप यूजर आईडी डालना होगा आपको, सबमिट। तो ये देखिए, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम लोग लॉग इन करेंगे। पासवर्ड डाल दीजिएगा अपना, लॉग इन यहाँ पे डोंट सेव। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट, इसमें क्लिक करना होगा आपको। और यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, ये वाला लिंक क्लिक कीजिएगा। फ्रेश नॉर्मल आपको 36 या 60 जो चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है वो फिलअप कर लीजिएगा।
स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैरिड सिंगल जो भी है, फिर आपका यहाँ पे पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो पैन कार्ड डाल दीजिएगा, वोटर आईडी डिटेल्स डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो आधार विद ओनली आधार कार्ड भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं वो ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, एजुकेशन ग्रेजुएशन एंड अबव, तो आपको सर्टिफिकेट मस्ट है अगर आप ग्रेजुएट है तो, या तो फिर आप 7 पास है तो 7 पास और लेस में 7 पास डाल सकते हैं, 12 पास है तो 10 पास एंड अबव कर सकते हैं, बिटवीन 8 एंड 9, लेकिन सब चीज के लिए आपको सर्टिफिकेट जरूरी है। अंत में डालते हैं, आपको कोई भी एक पैन कार्ड वोटर आईडी या आधार कार्ड मस्ट है एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल लेते हैं, ये डालने के बाद आप सेव में डिटेल्स कर लीजिएगा, वरना फिर आपको दोबारा भरना पड़ेगा। एक बार सेव हो गया तो ये क्लिक करके नेक्स्ट, यहाँ पे आप फादर्स नेम जगदीश मुंद्रा, मदर्स नेम और मैरिड है, मैरिड में आपका वाइफ का नाम डाल दीजिएगा, स्पाउस गिवन नेम, नेक्स्ट, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, डिटेल्स भरने के बाद उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग, एग्री ओके। तो यहाँ पे अपना इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर किसी का भी डाल सकते हैं आप, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ये टेलीफोन नंबर ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हैव यू एवर होल्ड एनी ये सर्टिफिकेट, नो, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, या डिप्लोमेटिक वो पासपोर्ट है ऑफिशियल, तो इसमें नो कर देते। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इश्यूड, नो, नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद ये सारा आप नो करेंगे, एक बार सेव कर लेते हैं इसको, फिर नेक्स्ट। तो ये देखिए आपका पासपोर्ट कुछ ऐसा दिखेगा, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो आप प्रूफ ऑफ बर्थ में आजकल आधार और बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी चलेगा, तो आधार कार्ड दे देते हैं और एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड, एग्री। यहाँ पे प्लेस में जो आपका प्लेस है with save my details, तो ऐसे आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप एक बार चेक करने का वेरीफाई करने के बाद सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद आप फीस जमा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।